Hi everyone, welcome to my 2 BHK flat in Mumbai. Let's do an empty flat tour. Come on in. यहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए हैं. उसके बाद एंटर करने के बाद देर इज अ स्मॉल कॉरिडोर जैसा स्पेस एरिया, एंड थोड़ा सा जब मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ राइट साइड में आ जाता है हमारा किचन. लेट मी गिव यू किचन का टूर एज वेल. दिस इज द किचन. यहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए थे जब ये घर देखने के लिए आए थे, तो ये सब कुछ भी नहीं था, स्टोरेज स्पेस कुछ भी नहीं था. तो मॉड्यूलर किचन उन्होंने हमको बोला कि बना के देंगे, एंड दे फिनिश्ड इट विद इन 12 डेज. तो काफी सारा स्टोरेज स्पेस है इस किचन में. ऊपर आप लोग देख सकते हो कबर्ड्स वगैरह है, ऊपर भी स्टोरेज स्पेस है. लेट मी ओपन फ्यू फॉर यू. खुल जा. थोड़ा बहुत ऐसे सामान रखा हुआ है. अभी यहाँ पे मैं अपने रखूंगी क्रॉकरी के आइटम्स जो भी मैं खरीदूंगी. ये देखो डब्बा मेरा, मम्मी ने गुजिया बनाया था वो रखा हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे भी थोड़े बहुत ऐसे खोल के आपको दिखा देती हूँ. दिस इज थोड़ा सा फिल्ड अप, क्योंकि ये प्लेट्स मैं घर से लेके आई थी, और ये कप्स मैंने अभी अभी खरीदे होम सेंटर से. यहाँ पे आई थिंक हमारा स्टोव आएगा, और इस फ्लैट में गैस कनेक्शन भी है बट वो अभी चालू नहीं किया, तो मुझे ना अलग से गैस का सिलेंडर लेना पड़ेगा, उसका भी व्यवस्था करना पड़ेगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्पेस दिया गया है फॉर फ्रिज, तो यहाँ पे हमारा फ्रिज आ जाएगा. स्टॉपर लगाया हुआ उन्होंने, तो बिल्कुल फ्रिज को लगेगा नहीं ये दरवाजा. ठीक है, जस्ट क्लोज दिस फॉर यू. किचन के उस तरफ भी थोड़ा सा स्पेस है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, एंड देन आई एम गोना शो यू वॉशिंग एरिया. सो किचन के इस तरफ, दूसरी तरफ मैं आ चुकी हूँ. एक विंडो दिया गया है किचन में, एंड देन दिस इज द वॉशिंग एरिया. तो काफी ज्यादा नेचुरल लाइट आती है इसमें. आई एम नॉट दैट इनटू कुकिंग, बट आई फील है कि किचन इतना कोजी कोजी ना, तो हो सकता है कि मैं खाना बनाने वाले वीडियोज भी, रील्स, पार्टी शॉर्ट्स वगैरह भी पोस्ट करना शुरू कर दूं. सो इस तरफ भी स्टोरेज स्पेस दिया गया है. पूरे फ्लैट में कहीं भी स्टोरेज स्पेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर किचन. ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है प्लेटफॉर्म, एंड देन ये वाला स्टोरेज स्पेस जहाँ पे मैंने अपने ऐसे क्लिंजिंग के आइटम्स संभाल के रखे हुए हैं. लेट मी शो यू द वॉशिंग एरिया. वॉशिंग एरिया से स्विमिंग पूल का व्यू दिखता है. वंस आई विल ओपन दिस ना, आपको सुनाई देगा हसल बसल लाइफ ऑफ मुंबई. आवाजें आ रही है, कंस्ट्रक्शन नॉइज, लोग काम पे जा रहे, काम से आ रहे, बस जा रही है, कार जा रहा है. एंड वंस आई विल क्लोज दिस, थोड़ा सा नॉइज कम हो गया होगा. या इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग इन मुंबई. सो इस वॉशिंग एरिया में आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, जो कि मेरे पास नहीं है, अभी मुझे खरीदना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर कि खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी. एंड देन यहाँ पे कपड़े सुखाने का स्पेस भी है. सो दिस इज द किचन, एंड नाउ लेट मी शो यू द हॉल स्पेस विच वॉज द सेलिंग पॉइंट फॉर मी. सो दिस इज द हॉल एरिया. आई लव दिस स्पेस. जब मैंने हॉल स्पेस देखा था ना, मैंने अपने ब्रोकर को कॉल करके परेशान कर दिया था कि यू नो वॉट, मुझे बताओ फ्लैट किसने लिया तो नहीं है ना, बिकॉज आई नीड टू गेट दिस फ्लैट ASAP. आप लोग देख सकते हो हॉल में बड़े बड़े विंडोज है, तो काफी अच्छी नेचुरल लाइट आती है. सो दिस विंडोज आर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, सो नेचुरल लाइट आती है, बट वो जो गोल्डन आवर वाली नेचुरल लाइट होती है ना, वो नहीं आती, बट इट्स फाइन. सो आई एम प्लानिंग टू मेक दिस माय स्टूडियो स्पेस. ये जो पीछे आप लोग वॉल देख रहे हो ना, उसको मैं पेंट करने का सोच रही हूँ. चेस्ट ड्रॉर्स वगैरह आ जाएंगे पीछे, बैकड्रॉप काफी सुंदर हो जाएगा. सो ये पूरा का पूरा जो हॉल एरिया ना, वो एकदम खिल जाएगा. आइडियली ये जो स्टूडियो स्पेस मैं अपना बना रही हूँ, इसे होना चाहिए था लिविंग स्पेस, और जो दूसरा स्पेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो होना चाहिए था डाइनिंग स्पेस. दिस इज द अदर साइड ऑफ द स्टूडियो स्पेस. दिस इज गोना बी आवर लिविंग स्पेस. यहाँ पे मैं सोच रही हूँ एक सोफा ऐड कर दूंगी, यहाँ पे टेबल चेयर फॉर लाइक एडिटिंग पर्पस, और थोड़े बहुत और चेयर्स, ताकि अगर लोग भी आए तो वो भी तो बैठ सके. आई एम सो सॉरी अबाउट द इको गाइज, आई जस्ट रियलाइज कि बहुत इको हो रहा होगा. आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि कुछ फर्नीचर नहीं है, तो इको तो होना ही है. ऑल्सो अनदर फेवरेट पार्ट अबाउट दिस फ्लैट इज दिस राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो, आई हैव अ बालकनी. लेट मी से दैट अगेन, आई हैव अ बालकनी स्पेस इन दिस फ्लैट. मुंबई में बालकनी वाला फ्लैट मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेसिफिकली जो मेरा बजट था, बट आई लाइक हैविंग अ बालकनी. इट्स अ वेरी क्यूट छोटू सा बालकनी. लेट मी ओपन इट. अब आपको सारा मुंबई का हसल बसल नॉइस फिर से सुनाई देगा. सुनाई दे रहा है. सो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ. 2-3 दिन हो चुके मुझे आए हुए, तो शाम की कॉफ़ी या चाय अगर मैं पीती हूँ तो यहीं बैठ के पी लेती हूँ. लोगों की लाइफ नीचे देखती रहती हूँ मैं, क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे, कहाँ से आ रहे, ऑल दैट. सो आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा नेचुरल लाइट आती है इस फ्लैट में. हॉल स्पेस हम लोगों ने कवर कर लिया है. लेट मी शो यू 2 रूम दैट आई हैव इन दिस फ्लैट. सो थोड़ा पीछे पीछे जाते, एंड दिस इज द कॉमन वॉशरूम, एंड उसी की ऑपोजिट में है रूम नंबर 1. लेट जस्ट एंटर दिस रूम. दिस इज गोना बी माई बेस्टी सुप्रियाज रूम.
अगर सुप्रिया मेरे साथ फ्लैट शेयर नहीं कर रही होती ना, विच आई एम सो ग्लैड कि वो कर रही है, तो प्रॉब्ली इस रूम को मैं अपना स्टूडियो रूम बनाती या फिर वॉक इन क्लॉजेट बनाती. सो दिस रूम इज़ अ बिट स्मॉलर देन दी मास्टर बेडरूम जो कि मेरा होने वाला है, बट इट्स क्वाइट स्पेशियस. ओके, बेड आ सकता है इसमें, टेबल चेयर आ सकता है, कबर्ड भी आ सकता है. इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है, बट जो कॉमन वॉशरूम है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेशियस. लेट मी शो यू दैट. ओके, रूम की अपोजिट जैसे मैंने आपको बताया कॉमन वॉशरूम है. वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, यू नो, इसका बिल्ड काफ़ी अच्छा है वॉशरूम का. टाइल्स भी काफ़ी सुंदर है इस वॉशरूम में, जो शार के पीछे लगे हुए टाइल्स. इस वॉशरूम में ना उन्होंने एग्जॉस्ट फैन और गीजर अटैच करके दिया हुआ है. अब हम लोग जाएंगे मास्टर बेडरूम में. उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा वाईफाई कनेक्शन लग चुका है. आई हैव इंटरनेट गाइज, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती. मेरा पूरा काम ही इंटरनेट का है. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड कमिंग इन दिस हाउस कि मैं वाईफाई कनेक्शन लगा दूँ. सो दिस इज द डोर टू माई बेडरूम, दिस इज द मास्टर बेडरूम. सो लेट जस्ट एंटर द बेडरूम. कम ऑन इन, आइए आइए. सो उस दरवाजे से अभी हम लोग एंटर हुए थे और आप लोग देख सकते हो कि मास्टर बेडरूम में मेरे पास ऑलरेडी एक बेड आ चुका है. सो ये जो मैट्रेस है ये मेरा नहीं है, मैं घर से लेके नहीं आई इसे भोपाल से. जिस दिन मैं आई थी ना, उस दिन मैंने सारों को कॉल करके बोला कि आई नीड अ मैट्रेस, तो कितने अच्छे से प्यार से उसने मुझे मैट्रेस भिजवा दिया. तो थैंक्स टू सारा आई कैन स्लीप प्रॉपरली. और ये बेडशीट भी मैं नया नया लेके आई होम सेंटर से जाके. आई लव दिस मास्टर बेडरूम यू गाइस. यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट आती ना, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विंडो, देयर इज अनदर विंडो जो कि आप पैन शॉट में देख सकते हो. वहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू भी दिखता है. सो इस बेडरूम का स्पेस कुछ इस प्रकार से कि एक बेड आ जाएगा, एक कबर्ड आ जाएगा, थोड़े बहुत चेस्ट ड्रॉर्स आ जाएंगे. अब बच गया दिखाना आपको जो मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, वो जो कॉमन वॉशरूम है ना उससे थोड़ा सा बड़ा है ये. लेट्स ओपन द वॉशरूम. सामान मैंने सब अरेंज कर दिया है, आप लोग देख सकते हो, बट अभी भी बहुत कुछ मेरा स्किन केयर आना बचा है. आईना नहीं है यार इस फ्लैट में, वी नीड आईना. सो दिस इज माई प्यारा सर 2 BHK एम्प्टी फ्लैट इन मुंबई. आई एम रियली हैप्पी विद दिस फ्लैट. मुझे बताना आपको ये फ्लैट कैसा लगा. अभी तो काफी काम करना बचा है. इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आएगा, फर्नीचर आएगा, वॉल पेंट करना है, काफी खर्चा होने वाला है, बट इट्स ओके, आई एम रेडी फॉर इट. बाय द वे, इस फ्लैट और इस बिल्डिंग के साथ कुछ एमिनिटीज भी हमें प्रोवाइड की गई है, जैसे स्विमिंग पूल है. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. आई नो स्विमिंग, सो आई विल बी गेटिंग बैक टू स्विमिंग सून. साथ साथ बिल्डिंग के अंदर जिम भी है, सो दैट सच अ प्लस पॉइंट फॉर मी, सो दैट आई कैन गेट बैक to work out as well. अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा, बिल्डिंग में ही है जिम. आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू गाइज फॉर बींग विथ मी. 6 साल से ऊपर हो चुके कॉन्टेंट बनाते बनाते, एंड आई फील लाइक दिस इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट टू बी एबल टू रेंट अ फ्लैट इन अ प्लेस इन अ सिटी लाइक मुंबई. ब्लॉग्स आएंगे, सिट डाउन कॉन्टेंट भी आएंगे, सो बी रेडी फॉर दैट. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को. एंड आई एम गोना सी यू गाइस वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.